हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से हम एक कैरेक्टर इनपुट देंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि ये जो हमने कैरेक्टर दिया है वो स्मॉल केस अल्फ़ाबेट है, कैपिटल केस अल्फ़ाबेट है, डिजिट है या सिंबल है। सो गाइस, ये प्रोग्राम अपन जावा में बनाने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सबलाइम टेक्स्ट को स्टार्ट किया। जो एग्जिस्टिंग फाइल है इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज। नाउ जावा फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल में गए हम, इस फाइल को हमने सेव कर दिया अल्फा डिजिट सिंबल के नाम से। एक्सटेंशन रखा हमने डॉट जावा। ठीक है, नाउ हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। क्लास बन जनरेट कर दी हमने अल्फा डिजिट सिंबल के नाम से। नाउ इस क्लास में हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जनरेट कर लिया। इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्कैनर का, के बी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया, नाम दे दिया सी एच। यूजर को मैसेज दिया हमने, प्रॉम्प्ट किया एंटर अ कैरेक्टर। नाउ सी एच इक्वल टू के बी डॉट नेक्स्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था हम डायरेक्टली कैरेक्टर इनपुट नहीं ले सकते, तो हम के बी डॉट नेक्स्ट का यूज करके स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं और उसके जीरोथ इंडेक्स से कैरेक्टर पिक कर रहे हैं। नाउ देखिए, हमने सबसे पहले कंडीशन चेक करी, सी एच अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है स्मॉल ए एंड सी एच लेस देन इक्वल टू है स्मॉल जेड। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है दैट मीन्स ये क्या है, हमारे पास स्मॉल केस अल्फाबेट है। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कंफर्म है कि ये स्मॉल केस अल्फाबेट नहीं है। क्या क्या हो सकता है? अब ये कैपिटल अल्फाबेट भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है या सिंबल भी हो सकता है। तो हम अब चेक करते हैं कि सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड सी एच लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड है क्या। अगर ये ट्रू है दैट मीन्स कैपिटल अल्फाबेट है। ठीक है गाइज, अगर ये भी फॉल्स हो जाती है, देखिए ये कंडीशन कब चेक हुई थी, जब इसकी प्रीवियस कंडीशन फॉल्स हुई थी। प्रीवियस फॉल्स होने का मतलब था स्मॉल केस अल्फाबेट नहीं है, ये वाली फॉल्स हुई इसका मतलब कैपिटल अल्फाबेट भी नहीं है। तो अब हमारे पास क्या बच गए, डिजिट्स और सिंबल्स बच गए। तो सिंबल्स तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक रेंज में है नहीं, लेकिन डिजिट अभी भी रेंज में है हमारे पास, क्रम में होती हैं। तो हमने चेक कर लिया सी एच अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एंड सी एच अगर लेस देन इक्वल टू नाइन है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद हमने डाल दिया डिजिट। अब देखिए, अगर अल्फाबेट स्मॉल केस में नहीं था, कैपिटल अल्फाबेट भी नहीं था, तो लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, सिंबल। ठीक है, और इस पूरे को हमने डाल दिया प्रिंटलन में, ये ब्रैकेट्स लगाए हमने। और यहां पे हमने डाल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। फाइन गाइस, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम इसे रन कराते हैं। रन कराने के लिए मैंने राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर में गया। जो हमारा फोल्डर ओपन हुआ है इसे हमने विंडोज एक्सप्लोरर में खोला एंड एड्रेस बार में जाके हमने टाइप करना है सी एम डी। तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, जावा सी अल्फा डिजिट सिंबल डॉट जावा को मैंने किया कंपाइल। अगर कोई एरर होगी तो एरर आएगी, अभी कोई एरर नहीं है तो कोई एरर नहीं शो हुई है। नाउ इसे हमने कराना है रन। तो रन कराने के लिए हमने कमांड यूज करी जावा।
ठीक है गाइज, एंटर ए करेक्टर, स्मॉल क्यू मैंने इनपुट दिया स्मॉल केस अल्फाबेट, कैपिटल के मैंने इनपुट दिया कैपिटल अल्फाबेट, सेमी कॉलन मैंने इनपुट दिया सिंबल, एट मैंने इनपुट दिया डिजिट, ठीक है। इसी तरह से मैंने हैश का सिंबल दिया तो भी सिंबल का मैसेज आ रहा है। सो गाइज एक बार रफली हम इस कोड को भी समझ लेते हैं। देखिए सपोज दैट मैंने यहां पे इनपुट दिया कैपिटल ए, तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक हुई सी एच स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में है क्या, नहीं है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। तो इस क्वेश्चन मार्क के कॉलन वाले हिस्से पे जाएगा, वहां पे वापस चेक हुई कंडीशन सी एच बड़े ए से कैपिटल जेड के बीच में है क्या, कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में है क्या, ये कंडीशन ट्रू है तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा कैपिटल अल्फाबेट का। सपोज दैट मैंने स्मॉल ए इनपुट दिया होता या स्मॉल सी इनपुट दिया होता, सो ये कंडीशन टेस्ट होती पहले सी एच जो है वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच है क्या, ये ट्रू है कंडीशन। तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट हमारे पास बचेगा इवेल्युएट होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए स्मॉल केस अल्फाबेट का मैसेज आ जाएगा। नाउ सपोज दैट मैंने इनपुट दिया 7, तो चेक हुआ सी एच स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच है क्या, ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके कॉलन वाले पार्ट पे आए। यहां पे चेक हुआ सी एच कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में है क्या, ये भी कंडीशन फॉल्स है तो इसके भी कॉलन वाले पार्ट पे आया। यहां पे आगे चेक हुआ सी एच 0 से 9 के बीच में है क्या, ये ट्रू है तो इसके क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो टेक्स्ट है वो प्रिंट हो जाएगा, डिजिट का मैसेज आ जाएगा। सपोज दैट मैंने इनपुट दिया इक्वल का निशान, ये सिंबल है। नाउ चेक हुआ सी एच जो है वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच है क्या, ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके कॉलन पे गया। यहां पे चेक हुआ सी एच जो है वो कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच है क्या, ये भी फॉल्स है, इसके भी कॉलन पे आया। यहां पे चेक हुआ सी एच जो है वो 0 से 9 के बीच है क्या, ये भी फॉल्स है कंडीशन तो इसके भी कॉलन पे जाएगा, लास्ट में प्रिंट करा देगा सिंबल। सो गाइज ये था हमारे पास जावा में प्रोग्राम जिसमें हमने कैरेक्टर इनपुट दिया था और टेस्ट किया था कि जो हम कैरेक्टर इनपुट दे रहे हैं वो बेसिकली कैपिटल अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट डिजिट या सिंबल किस कैटेगरी में आ रहा है उसके रिगार्ड मैसेज हमने प्रिंट कराया है। होप सो गाइज आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ आया होगा, अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके अपना डाउट मुझसे आप क्लियर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने जूनियर्स के साथ फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।